हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के बाद एक वीडियो लाऊंगा जिसमें एक ऑफर गिव भी करूंगा, मतलब एक फ्री ऑफर दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जब भी वीडियो आए तो आप ऑफर का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं आरएसआईटी के आंसर की। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरएसआईटी की ए सीरीज की आंसर की लेके आया हूँ। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं ए सीरीज के आंसर की पे चलता हूँ, पूरे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा मैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के समर्थन अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए करता है? तो इसका आंसर होगा बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के लिए एक दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों का ट्रैक रखने का तरीका है? तो दूसरे का आंसर होगा ट्रैक चेंजेस। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ट्रैक चेंजेस। BIOS का पूरा रूप क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुति में स्लाइड शो को रोकने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, ESC। पांचवा क्वेश्चन है, आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुति को बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? तो पांचवे का आंसर होगा सी, MS PowerPoint। छठा क्वेश्चन है, आप MS पर 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को इसे प्रयोग कर स्विच कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, तो इसका आंसर होगा ए, ओरिएंटेशन शॉर्टकट। सातवा क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी, CDR। आठवा क्वेश्चन है, प्रत्येक नोड एक केबल से इंटरफेस कनेक्टर की मदद से जुड़ा होता है? तो इसका आंसर होगा ए, फर्स्ट टोपोलॉजी। नवा क्वेश्चन है, एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, वेब सर्वर। फ्रेंड, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, मुझे आंसर ये, लेकिन ये डेफिनेटली 100% सही है आंसर की। तो फ्रेंड्स आगे चलते वीडियो में। दसवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस के सही उदाहरण है? ट्रैकबॉल, टचपैड और माउस, एक क्वेश्चन सही है इसका। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जो क्लाउड पर ऑब्जेक्ट को डेटा एकत्र करने और विनिमय करने में सक्षम बनाता है? 11 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ए, लीफाई। 12 क्वेश्चन है, IP पते का भेद उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए। 13वां क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडोज 10 मूल एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा स्पेलिंग टूल। 14वां क्वेश्चन है, मॉनिटर के रेजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, यह पिक्सल की अधिकतम संख्या है जो मॉनिटर क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित करता है। 15वां क्वेश्चन है, प्रिंटर हेड से शाही की छोटी बूंदों को छिड़क कर पृष्ठ की छवि बनाता है? तो इसका आंसर होगा डी, इंकजेट। 16वां क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में Ctrl+X और Ctrl+C बटन दबाने में क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा सी, पार्ट की कॉपी करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है और पार्ट को कट करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। 17वां क्वेश्चन है, का उपयोग उस दस्तावेज में पार्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, हेडर और फुटर। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फ्रेंड को बताना कि आपके कितने सही हो, ये पूरे 100% सही है क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS Excel 2010 में ट्रैकिंग स्ट्रिंग की लंबाई देता है? तो इसमें शॉर्ट फॉर्म रहती है, तो सी आंसर सही है इसका, लेन। नेटवर्क पर अन्य नोड्स को सेवाओं को सम्मिलित करने और आपूर्ति करने के लिए केंद्र कंप्यूटर का उपयोग करता है? तो इसका आंसर होगा क्लाइंट सर्वर। 20वां क्वेश्चन है, आप आउटलुक 2010 में का उपयोग करके अपार्टमेंट बना सकते हैं, मीटिंग व्यवस्थित कर सकते हैं और अपना समय प्रबंधित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 20 का डी, कैलेंडर। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है? तो फ्रेंड आपको सबको पता ही होगा, एक क्वेश्चन सही है इसका, वायरस। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में सबसे सही कथन का चयन करें? तो इसका आंसर होगा डी, मतलब ब्लूटूथ की संचार सीमा वाईफाई की तुलना में उच्च है, यह भी नहीं है, गलत है क्वेश्चन। कोई स्किल केबल में दो स्वतंत्र इंसुलित तार एक दूसरे के चारों ओर ट्विस्टेड होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम है, जो कि यह सब गलत है। तो इसमें से डी ऑप्शन आएगा, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। यूट्यूब क्या है?
यूट्यूब सब आपको पता ही होगा, यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देती है। ट्वेंटी फोर क्वेश्चन है, आप जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, कंपोज पर क्लिक करके। 25 क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, हाइपर लिंक। 26वां क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों में से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है? तो इसका आंसर होगा बी, लाइन चार्ट। 27 एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे बुद्धित छवि डालता है? तो इसका आंसर होगा सी, वाटर मार्क। 28 क्वेश्चन, एक माइक्रोसॉफ्ट बाय संचालित व्यक्तिगत सहायक है जिसे विंडो 10 ओएस के साथ लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, कार्टा ना। 29 क्वेश्चन है, आप प्रस्तुति को कैसे बंद कर सकते हैं? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके आंसर पूरे सही है, फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज विकल्प पर क्लिक करें, ये भी सही है। पावर पॉइंट विंडो के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर क्लिक करें, कुंजी प्लस शॉर्टकट कुंडी कंट्रोल पर विंडो का प्रयोग करें, सभी विकल्प सही है। तो इसका आंसर होगा डी, सभी विकल्प सही है। 30 क्वेश्चन है, एम एस एक्स 2010 में फिल्टरिंग रिकॉर्ड का उपयोग क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, यह आपको केवल उस डेटा को देखने की अनुमति देता है जिसे आप देखना और जिस पर आप काम करना चाहते हैं। 31 क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 31वां क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा एनिमेशन प्रभाव ऑब्जेक्ट के आधार को बढ़ाया घटाकर रंग बदलने और उसके केंद्र पर घुमाकर किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित करता है? तो इसका आंसर होगा सी, एम फेसिक प्रभाव। 32 क्वेश्चन है, आप एक नया डेटाबेस से बना सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, एमएस एक्सेल 2010। 33 amazon.com प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा बी, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स एनवायरमेंट। 34 का आंसर होगा, 34 क्वेश्चन है, विंडो 10 में बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान प्रोग्राम के आइकन कौन रखता है? तो इसका आंसर होगा ए, सिस्टम ट्रे। 35 क्वेश्चन है, स्क्रीन कास्ट का उपयोग क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, इसका उपयोग रिमोट स्क्रीन या मॉनिटर पर आपकी स्क्रीन और ऑडियो को वायरलेस रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी अगर इसमें कन्फ्यूजन लगता है आंसर में तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना फ्रेंड। थैंक यू माय वाचिंग वीडियो।